मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं. एक तो वो पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में. उसमें हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एक्सरेज के बारे में पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा, है ना. ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. इसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, है ना. ये जो चैप्टर है इसमें थोड़े से कैलकुलेशन आएंगे, जिस तरह से आप केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं छोटे छोटे वैसे ही कैलकुलेशन इसमें आएंगे. लेकिन हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये जो है जेई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, है ना. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज चलती है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है. तो ये जो चैप्टर है इट डील्स विथ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. और जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स जो हैं वो रहते हैं, है ना. न्यूक्लियस कंटेन्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस. इनको न्यूक्लियंस कहा जाता है. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनको दोनों को मिला करके जो है न्यूक्लियंस कहा जाता है, है ना. तो जैसे कोई एटम है तो एटम के अंदर अगर कोई न्यूट्रॉन होता है या कोई प्रोटॉन होता है तो उसका मास हम लोग लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी. और जो न्यूट्रॉन है इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग इतना ही लिखते हैं इसको, है ना. लेकिन जब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने चलेंगे तो उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन में दिया रहता है एग्जैक्ट वैल्यू, उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक. अब देखेंगे कि जैसे कोई एटम है या कोई न्यूक्लियस है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, जैसे एक्स कोई एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर जेड यहां पर रखा जाएगा और मास नंबर यहां पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर यहां पर है और मास नंबर यहां पर है. जैसा कि मैंने कहा कि जो जेड है वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो है वो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है. इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस. ठीक. और ये जो मास नंबर है ए, ए इज मास नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस. ठीक. इट इज ऑल्सो इक्वल टू इक्वल टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन एटम
रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में AMU कहा जाता है, है ना। तो ये हो गया मास नंबर। ठीक, अब हमें ये पता है कि कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि दो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन नंबर इक्वल है, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल है, दोस न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। मतलब ऐसे कई सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो बराबर होगा लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाएगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वैसे न्यूक्लियाई को कहा जाता है जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, दोज न्यूक्लियाइज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया आइसोटोन्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें में एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा आइसोटोन्स के केस में। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें कि मास नंबर इक्वल होता है, उनको आइसोबार्स कहा जाता है, दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इक्वल जेड होता है, इक्वल जेड और डिफरेंट मास नंबर यानी कि ए। इसमें जो है उसका उल्टा है, है ना। इसमें इक्वल इक्वल होता है मास नंबर और डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। इसमें दोनों ही डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, दोनों ही डिफरेंट होते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसका शेप साइज कैसा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, हैज स्फेरिकल शेप हैविंग रेडियस इन द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी, है ना। फर्मी का मतलब हुआ 10^-15 मीटर जो होता है इसको 1 फर्मी कहा जाता है। तो 10^-15 के ऑर्डर में उसका रेडियस होता है। अगर हम बात करें किसी जनरल एटम के या जनरल न्यूक्लियस के रेडियस की, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस is given by r is equal to r naught into mass number power 1/3, where r naught is equal to 1.1 fermi,
means 1.1 into 10 to the power 15 meter and A is mass number. अब अगर हमें इसका डेंसिटी पता करना होगा न्यूक्लियस का तो कैसे पता करें? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी निकालना हो तो हमें पता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे निकालते हैं. तो न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास निकालना पड़ेगा. मास कैसे निकलेगा? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. तो टोटल न्यूक्लियंस का जो नंबर है वो होता है ए. अगर एक न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये टोटल नंबर में, तो ये पूरे न्यूक्लियस का मास बताएगा, है ना. तो मैं यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूं. हम लोग यहां पर ये मान कर चल रहे हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, इसलिए सारे जो न्यूक्लियंस है उन सब का मास इतना ही है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता भी है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ये हो गया, और ये हो गया एक न्यूक्लियन का मास, यानी टोटल न्यूक्लियस का मास इतना हो गया. ठीक, जैसा कि ए का डेफिनेशन मैंने यहां पर बताया था कि ए होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी सारे जो न्यूक्लियंस है उनका नंबर यही होगा. ठीक, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 πr³, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है. तो इसको लिख सकते हैं ए मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 4/3 πr. आर की जो वैल्यू है वो यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा r³ × a, है ना. इसका पावर 3 करेंगे, यहां पर 3 है तो r⁻³ आ जाएगा और a पावर 1 आ जाएगा, है ना. तो यहां से a और यहां से a कैंसिल हो गया. हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg डिवाइडेड बाई 4/3 πr, और ये है आर नॉट. आर नॉट की वैल्यू मैंने यहां पर बताया है 1.1 × 10⁻¹⁵ m³, है ना. इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो देख सकते हैं कि ये जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, और साथ में ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि हर न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है वो बराबर होता है, है ना. तो कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए. न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के फोर्सेज एक्ट करते हैं. जैसे हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है उस पर तो चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है. तो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, जबकि न्यूट्रॉन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता. लेकिन एक और फोर्स है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वो फोर्स कोई भी दो न्यूक्लियन के बीच में लगता है, चाहे प्रोटॉन हो, दो प्रोटॉन हो, या दो न्यूट्रॉन हो, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता रहता है ना. तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एंड इट इज 10⁻³⁶ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स. दो प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और जो दूसरे टाइप का फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्स बिटवीन एनी टू न्यूक्लियंस, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, है ना। तो कोई भी दो पेयर होगा तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो कह सकते हैं एनी टू पेयर ऑफ न्यूक्लियंस, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ये हमेशा नहीं लग सकता, ये तभी लगता है जब दो न्यूक्लियंस के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम हो। इट एक्ट्स ओनली व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस is of the order of फर्मी, वन फर्मी के आसपास कहीं सेपरेशन होगा तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक। लेकिन जब जो सेपरेशन इस वन फर्मी से कम हो जाता है उस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक कॉम्पोनेंट रिपल्सिव नेचर का होने लगता है, और इसी कारण से जो न्यूक्लियस है वो क्रश नहीं होता या कोलैप्स नहीं होता। नहीं तो सोचे कि जो रिपल्सिव फोर्स है उससे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, 100 times जो है स्ट्रांग होता है। कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज 100 times स्ट्रांगर देन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अगर दो प्रोटॉन के अंदर ही न्यूक्लियर फोर्स का कंपेरिजन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपेरिजन करें, तो उससे 100 times स्ट्रांगर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 times स्ट्रांगर होता है न्यूक्लियर फोर्स। उसके बावजूद भी न्यूक्लियस जो है वो क्रश नहीं होता, कोलैप्स नहीं होता। कारण यह है कि एक जो है पर्टिकुलर सेपरेशन तक ही न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब बहुत ज्यादा क्लोज आने लगते हैं न्यूक्लियंस तो उस केस में ये रिपल्सिव नेचर का भी हो जाता है, और इसलिए न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स नहीं होता है। व्हेन सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियंस is smaller than one Fermi, Fermi का मैंने मतलब बताया 10^-15 meter, then a component of nuclear force becomes repulsive. That's why nucleus do not collapse. ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्सेज हैं इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है। कभी हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाए, कभी हो सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे कि जो n/z रेशियो है, n का मतलब न्यूट्रॉन नंबर और z का मतलब प्रोटॉन नंबर, तो इनका जो रेशियो है उस पर डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है या बराबर है, है ना, इस पर डिपेंड करेगा। और इसी कारण से n/z रेशियो पर इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ना।
तो इसमें जो मैंने कहा है कि एन क्या है, यह है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ये ए क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, उसमें से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। और जेड हमें पता है कि ये प्रोटॉन नंबर होता है ना। तो आप ग्राफ देखेंगे, वाई एक्सिस पर हमने न्यूट्रॉन का नंबर रखा है और एक्स एक्सिस पर प्रोटॉन का नंबर रखा है। यहां पर दो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करा है, ये वाला, इसमें एन बाई जेड रेशियो 1 है, और एक ऐसा कर्ड लाइन है जिसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इसका जो मैक्सिमम स्लोप है यहां पर ये होता है 1.6, एन बाई जेड इज इक्वल टू 1.6 होता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर एन बाई जेड जो है वो 1.6 और 1 के बीच में हो कहीं इधर, मतलब कोई न्यूक्लियस इस रीजन में पड़ेगा तो स्टेबल रहेगा, इस लाइन के इधर पड़ जाए या इधर हो जाए तो अनस्टेबल हो जाता है, इधर भी अनस्टेबल हो जाएगा और इधर भी अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। इसमें स्टेबल रहता है अगर इस रीजन में पड़ता है तो कहा जाता है कि फॉर लाइटर न्यूक्लियाई और लाइटर न्यूक्लियस एन बाई जेड रेशियो शुड बी इक्वल टू 1 फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए एन बाई जेड 1 होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू जेड होना चाहिए। जितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए उतने प्रोटॉन्स होने चाहिए तो न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहेगा। फॉर हेवियर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस एन बाई जेड रेशियो शुड लाई बिटवीन 1 and 1.6। ये जो है ये हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ग्राफ है। इधर देखेंगे, इधर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बात करेंगे और इधर हेवियर न्यूक्लियाई के लिए। तो इसके लिए जो है एन बाई जेड रेशियो 1 और 1.6 के बीच में होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। अगर ये एन बाई जेड 1 और 1.6 के बीच में नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रेडियो एक्टिव इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो, व्हेन एन बाई जेड रेशियो इज ग्रेटर देन 1.6, देन बीटा इमिशन टेक्स प्लेस इन हेवियर न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एन बाई जेड रेशियो 1.6 से ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होने से क्या होगा कि उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है ज्यादा हो गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया होगा, ठीक। तो ये स्टेबल कब आएगा, 1.6 के अंदर कब आएगा, जब न्यूट्रॉन का नंबर कम होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन नंबर कम करने के लिए क्या होता है, बीटा इमिशन होता है। बीटा इमिशन में एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन बनता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें से, है ना। तो बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन घटता है और जेड जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से बीटा इमिशन से क्या होगा, एन बाई जेड रेशियो जो है वो 1.6 से अंदर आ जाएगा, यानी अपने रेंज में आ जाएगा, स्टेबिलिटी वाला जो रेंज है उस रेंज में आ जाएगा अगर बीटा इमिशन हुआ तो। इसको हम लोग बीटा माइनस इमिशन भी कहते हैं। अगर ऐसा हो कि एन बाई जेड रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, देन अल्फा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है, इसको हम लोग बीटा प्लस भी लिखते हैं,
बीटा प्लस इमिशन और के कैप्चर, ये जो भी फेनोमेना है के कैप्चर का या पॉजिट्रॉन इमिशन का, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। के कैप्चर टेक्स प्लेस, मतलब ये है कि एन बाई जेड रेशियो 1 और 1.6 के बीच में रहेगा तब तो सही है, स्टेबल है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर 1.6 से ज्यादा हो जाए या 1 से कम हो जाए तो स्टेबल नहीं रहेगा, दोनों ही केस में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो 1.6 से एन बाय जेड रेशियो ज्यादा होगा तो बीटा इमिशन होता है ना, और उससे क्या होता है कि एन बाय जेड रेशियो अपने बैलेंस में आ जाता है, 1.6 से कम हो जाता है। और एन बाय जेड रेशियो जब 1 से कम होगा तो इसका मतलब ये हो कि न्यूट्रॉन नंबर कम है और प्रोटॉन नंबर ज्यादा है यहां पर, है ना। तो अल्फा इमिशन पॉजिट्रॉन इमिशन के कैप्चर से क्या होता है कि यहां पर जेड घटता है और एन जो है वो बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस स्टेट में जो है, किस कंडीशन में कोई न्यूक्लियस स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है।